आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, इडियोब्लास्ट है। विकल्प एक, यक्का की पत्तियों में पाए जाने वाले दर्दहोत रेशे। विकल्प दो, विशिष्ट मृदुतरकीय अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। विकल्प तीन, कोणीय मोटाई वाली कोशिकाएं। और विकल्प चार, कठोर फ्लो में ऑक्सलेट के कण। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ये इडियोब्लास्ट है क्या। तो इडियोब्लास्ट विशिष्ट प्रकार के मृदुतक होते हैं। तो ये विशिष्ट या विशेष प्रकार के मृदुतक होते हैं, जिन्हें हम पैरेन्काइमा भी कहते हैं। तो ये मृदुतक है। अब बात करते हैं मृदुतक क्या होते हैं। तो मृदुतक आपकी कोशिकाओं में या आपके पौधों में पाए जाने वाले निम्न स्तर के ऊतक होते हैं। निम्न स्तर के होते हैं, ये स्थाई होते हैं, मतलब ये विभाजोतक ऊतकों से बने होते हैं, स्थाई होते हैं, इनमें विभाजन नहीं होता। इनमें जो कोशिका होती है उन पर भित्ति नर्म होती है। तो हम कह सकते हैं इनमें नर्म भित्ति पाई जाती है और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। तो इनमें अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं, कोशिकीय स्थान। तो ये है मृदुतक। अब यदि बात करें मृदुतक के कार्यों की, तो मृदुतक के कार्य है आपके पदार्थों का संग्रह। तो ये पदार्थों का संग्रह हर करते हैं। यहां यदि बात करें इडियोब्लास्ट की, तो ये विशिष्ट प्रकार के मृदुतक है, क्योंकि ये भी पदार्थों का संग्रह करते हैं। पर किन पदार्थों का संग्रह करते हैं? पदार्थों का संग्रह करते हैं, जैसे कि लेटेक्स है, गम है, रेजिन है, संग्रह ये करते हैं। तो ये इडियोब्लास्ट का कार्य है। यदि हम विकल्पों की तरफ देखें, तो यहाँ पर आपको दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा होगा, विशिष्ट मृदुतक की अजैव पदार्थ पाए जाते हैं इनकी कोशिकाओं में। अतः हमारा ये वाला विकल्प या विकल्प दो सही विकल्प है, क्योंकि इसमें अजैव पदार्थ पाए जाते हैं और ये मृदुतक भी है। तो आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।